तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का मेजर पेपर फॉर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम में आएंगे वैसे क्वेश्चन मैं आपको सेट करके दे रहा हूँ और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर फोर का सिलेबस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर फोर। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन, ठीक है। पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है 75 मार्क्स का होगा, ठीक है, और इसमें से आपको 30 नंबर लाना होगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए ये सारे टॉपिक हैं, आपको मैं इसका हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो सिलेबस को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार, और सेमेस्टर 5 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं मेजर पेपर 4 को, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि डायरेक्टली एग्जाम में भिड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सभी को घर में प्रैक्टिस करना है आपको। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता, स्रोत तथा विकास का वर्णन करें, ठीक है। भारतीय राजनीतिक चिंतन मतलब जो हम लोग भारत की राजनीति पढ़ते हैं, यह कैसे विकास हुआ इसका, प्राचीन भारत में किस प्रकार था राजनीतिक, ठीक है। तो ये आपको जानना है, पहले राजा महाराजाओं का युग चलता था वो बताना है, ठीक है। स्रोत कहाँ से मिला, तो देखिए चाणक्य ने बहुत समय पहले बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, सबको जानता है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो वहाँ जो अर्थशास्त्र है वह बुक से हमें राजनीति के बारे में जानकारी मिला, तो वो हो गया स्रोत। विकास कैसे हुआ, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ बताना है। इसी तरह से इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला हमारा है, भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन करें, ठीक है। देखिए भारत का भौगोलिक, भौगोलिक मतलब भूमि, भारत का भूमि कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम। भारत का क्षेत्रफल वर्तमान समय में तो कम हो गया है ना, वर्तमान समय में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, बट पहले बहुत बड़ा था, पाकिस्तान हमारे साथ में था, अफगानिस्तान हमारे साथ में था, ठीक है, बांग्लादेश हमारे साथ में था, बताना है। संस्कृति कैसी है भारत की, राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, इन तीनों टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और ये सभी आपको मैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन करें, इंग्लिश इसमें डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कल्चरल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा, पुराणों में भारत का चित्रण किस प्रकार किया गया है, संक्षिप्त में वर्णन करें, ठीक है, या उत्तर दें। तो इसका इंग्लिश में है कि हाउ हैज इंडिया बीन डेपिक्टेड इन द पुराण्स, आंसर इन ब्रीफ, यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा में आंसर करना है, ठीक है। पुराण यहाँ पे मैं अभी ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा आपको। अगला है, महाभारत का शांति पर्व क्या है, इसमें राजा की भूमिका क्या होती है, ये बताना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि निर्माण के रूप में मनु की भूमिका तथा न्याय शास्त्र की चर्चा करें, ठीक है। न्याय शास्त्र जिसको मनु महाराज बहुत फेमस है इनके लिए, इनके राइटर, ठीक है, तो किस प्रकार के नियम कानून बनाया गया था उस टाइम पे, वो बताने हैं। डिस्कस द रोल ऑफ मनु एज अ लॉ मेकर एंड जूरिसप्रूडेंस। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, न्याय और कूटनीति की अवधारणा का वर्णन करें, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में, महाभारत तथा रामायण के संदर्भ में कूटनीति की व्याख्या करें, एक्सप्लेन डिप्लोमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत एंड रामायण। जब हम लोग बचपन में फिल्म देखते थे बोलते हैं, देखो चाल चलो, चाल मतलब वही कूटनीति, ठीक है, चाल चलना, अपनी चाल चलना, इसी को कूटनीति बोलते हैं। तो महाभारत में कैसे इसका हमें प्रमाण मिलता है, महाभारत में देखिएगा तो कूटनीति बहुत चलाते हैं, कौन, मामाश्री, ठीक है, और रामायण में केकई, ठीक है, तो वो कूटनीति है लेकिन बुरे काम के लिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको नोट करना होगा, क्योंकि मैं
मतलब यार टाइप करना होता है ना, तो लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए सोचा हूँ कि आप लोग टाइप कर ले, मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की, आंसर हो जाएगा कौटिल्य, ठीक है, ब्रैकेट में चाणक्य। अगला हमारा, और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। क्वेश्चन आता है कि चाणक्य किसके मंत्री या गुरु थे, ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य किसके मंत्री या गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या गुरु थे, ठीक है, मंत्री भी थे और गुरु भी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 को पुराण है, जैसे आपने सुना होगा मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इसी तरह से 18 को पुराण है, ठीक है। अगला हमारा महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की, ठीक है। यही पे हमारा क्वेश्चन आता है कि रामायण की रचना किसने की, तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे न्याय शास्त्र या मनुस्मृति की रचना किसने की, न्याय शास्त्र को ही मनुस्मृति कहा जाता है, ठीक है, न्याय शास्त्र या मनुस्मृति की रचना किसने की, तो मनु महाराज ने किया, या फिर मनु लिख दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं डालना भूल गया, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। क्या क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। जो चाणक्य थे उन्होंने एक सिद्धांत था सात गो सिद्धांत, जिसमें बहुत सारा सिद्धांत है, जिसमें मुझे एक पसंद आया था कि जब व्यक्ति को मतलब क्रूर व्यक्ति हो तो उसको हराने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग करे, ये उनमें से एक है सात गो सिद्धांत में से, तो इस तरह से सात गो सिद्धांत था, ठीक है, आपको पढ़ना है। अब देख लेते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर करता, मतलब उस टाइम पे थ्री ईयर का हुआ करता था, ठीक है, तो ये बैक ईयर का पेपर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, ये क्वेश्चन था ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने भी सेट किया है, थ्रो लाइट ऑन द ऑथरशिप एंड कॉन्ट्रेडिक्शन इन मनुस्मृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा तू क्या है कि मनुस्मृति में रचनाकारिता एवं अंतर विरोधों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, मनुस्मृति जिसकी रचना मनु महाराज ने किया है। अगला हमारा कौटिल्य के विचारों में राजा निरंकुश नहीं था, उपरोक्त कथन के आलोक में प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धांत का मूल्यांकन करें, ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी शासन में राजत्व तथा शासन कला की अवधारणा दे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, हिंदू दर्शन वाला भी नहीं आएगा, गुरु नानक भी नहीं आएगा, अबुल फजल भी नहीं आएगा, बृहस्पति भी नहीं आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, मनुस्मृति मनु की वर्ण की अवधारणा लिखें, ठीक है, और कौटिल्य की विदेश नीति का वर्णन करें। तो ये दो क्वेश्चन लास्ट से, और प्रथम से मैंने जो बताया था ये आपका यहाँ पे ये गो और इधर आपका चार गो, ये प्रीवियस ईयर से आपको चार क्वेश्चन करने हैं और लास्ट में दो क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला मनु की वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भागों में बटा हुआ था समाज, कौटिल्य के विदेश नीति के बारे में बताना है, चाणक्य ने फॉरेन पॉलिसी किस तरह से दिया है, सात गो सिद्धांत में से एक सिद्धांत यह भी है विदेश नीति, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है, जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाना है, डेफिनेटली एग्जाम में भिड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, और एक मार्क्स वाला बता दिया। अगर आपको वीडियो अभी आप देख रहे हैं कॉपी पेन नहीं है, तो बाद में जब कॉपी पेन होगा उस टाइम पे वीडियो को देख के सभी क्वेश्चन को नोट करके लिख लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, या तो आप गेस्ट पेपर खरीदें तो अच्छा है, गेस्ट पेपर अगर नहीं खरीदे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा सबसे पहले एक कॉपी में, और इन सभी का गूगल में आंसर खोजिएगा, गूगल यूट्यूब नहीं, गूगल, गूगल में खोजिएगा, तो क्या होगा उसमें आपको खुद से पढ़ना होगा, और जब आदमी खुद मेहनत करता है ना तो उसका फल अच्छा रहता है, ठीक है। यूट्यूब में तो बोलते जाएगा आप लोग सुनते जाएंगे, वैसे में ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप गूगल से या फिर किताब से खोज के लिखते हैं तो क्या होता है उसमें आपको पढ़ना होता है, खुद पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले पढ़िए, जो भी गूगल में मिले आंसर उसको पढ़िए, फिर आपको आंसर लिखना है, ठीक है, कॉपी में। ये सात को क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, एको क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है पूरा पूरा, ठीक है, मतलब जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी के इर्द गिर्द आएगा, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो दे दिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जल्दी ही लाऊंगा और सभी मतलब जितना पेपर है सबका लाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए धीरे धीरे, ठीक है? सब होगा, सब्र करना होगा।